हेलो एवरीवन, आजर क्लास रे आमे माने एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल को स्टार्ट करिबा। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इज वन सच टॉपिक फ्रॉम व्हिच आपनकर मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन आसीबार चांसेस थाए, बिकॉज जेते बेले भी मल्टीपल इंटीग्रल रो लॉन्ग क्वेश्चन आसे आमे जेते भी क्वेश्चन डिस्कशन कलेनी पूर्वरु ताठार बेसी इंपोर्टेंट होची आपनकर एप्लीकेशन रे जो सब लॉन्ग क्वेश्चन अछि। तेनु एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल रो जो भी आमे मैंने छः सतटा क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा, दोज क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलंतु स्टार्ट करिबा। एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। जेमिति कि मुँ आपको कही पूर्वर कि आपर मल्टीपल इंटीग्रल टॉपिक रु आपर 12-15 मार्क आसो एवे कौच कि 12-15 मार्क ही आपर मैक्सिमम आसो, बिकज देर आर लॉट ऑफ टॉपिक इन योर सिलेबस। ओके, एंड सी 12-15 मार्क भितर आपर एप्लीकेशन रु आसबार तो 100% चांसेस अच्छी, बिकज ये टॉपिक रु आपर बेले बेले शॉर्ट क्वेश्चन भी पचारिदे, है कि लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हिसाब से पचार आपको कौन से एक्सप्लेन करार नहीं, आपको ओनली आंसर ही एटी पचार गोटे वार्ड में आपसर से लिखिकी रखिए आपण मान वन मार्क से एमती। आजिकल मुझे बहुत सारा 2024 जो सब एग्जाम बर्तमान यूनिवर्सिटी में बहुत सारा यूनिवर्सिटी में मल्टीपल चॉइस भी पूरेला, तेणु मल्टीपल चॉइस किसी पचारि पड़े जोटा कि आपण मानक छः पेज जाऊँ जो लॉन्ग क्वेश्चन तार केवल आंसर करने को पचार व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तेणु ये आपने प्रत्येक क्वेश्चन को भल भाव देखी जाइए मे बी आपण मानक वन मार्क में भी पड़ जाए, मैंने ओनली आंसर आपण मानक किसी एक्सप्लेन करार नो। सो चलत स्टार्ट करवा एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। तार जो फर्स्ट टॉपिक रोच एप्लीकेशन रो सीधा आम क्वेश्चन रू ही स्टार्ट करवा। फर्स्ट क्वेश्चन आपणकर कार्टेशियन उपरे आसुची, ठीक अछि। प्रथमे आपणकर जो फर्स्ट टॉपिक टा रहूची सेटा आपणकर कार्टेशियन उपरे आसुची। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट द फर्स्ट क्वेश्चन आरा पचारुची फाइंड द एरिया ऑफ एरिया बाउंडेड बाय द पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये हूँ पाराबोलार फर्मूला, ठीक अच्छे। आमर जिते दी प्रकार आम पाराबोला को रिप्रेजेंट कर था जोटा कि एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट हिसाब से, ठीक अच्छे। जोटा कि आम सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सीस जिते करते वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सीस जिते करते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तेणु ये आमर आर सिमेट्रिक आम जी चेक करवा ये आम सिमेट्रिक अलोंग एक्स एक्सिस आड़ को अच्छी, ठीक अच्छे। 4ax एंड इट्स लैटस रेक्टम। एबे आपण पचारि सर लैटस रेक्टम कौन, आपण मानक सांगे सांगे वर्तमान कहूँ। प्रथम तो आम यार गोटे फिगर ड्र करवा, यूँ आम जी इनफर्मेसन पाचे एति ही आम क्वेश्चन गिवेन अच्छी फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पाराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax एंड इज लैटस रेक्टम। तो आमको एरिया फाइंड आउट करा पाराबोला गोटे पाराबोलार कि एरिया अच्छे लैटस रेक्टम ताको घेरिकी रही एंड आमको से तार जो कवर एरिया अच्छे फाइंड आउट करार अच्छे। तो बर्तमान आपण मानक गोटे कन्फ्यूजन रु दूर करेंगे सांग पिक्चर टाक ड्र कर। प्रथमे तार गोटे फिगर आम मैंने ड्र करवा,
तो ये हमारा गोटे जेहेतु ये टू डी टू बाय टू डायमेंशनल प्लेन तेणु एटा को आम टे भल भाव एटा करवा पाराबोलाटा कौन गोटे टू डायमेंशनल प्लेन रे एक्जिस्ट करुची। सो आमर कौन अच्छे एटा सिमेट्रिक कोड अच्छी अलोंग एक्स साइड को तेणु ये आम कर ये एंड ये ठीक अच्छे। दिस इज चार मुठ नेम लिखी दौ दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। ओके दिस इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स एंड इट्स लाटस रेक्टम। लाटस रेक्टम कहले गोटे फोकस पॉइंट थाए। फोकस पॉइंट मैंने ये हूँ गोटे आम फोकस पॉइंट जो पॉइंटा को आम ए जीरो हिसाब से लिखिद दिस इज पॉइंट जोटा कि आमर ए जीरो यहाँ हूँ फोकस पॉइंट जहाँ एटी आम एफ लिखिता एंड पॉइंटा हूँ ए जीरो। तो जदि आम ये गोटे वर्टिकल लाइन ड्र करे ए पॉइंट रू ए पॉइंट भितर जदि आम गोटे वर्टिकल लाइन ड्र करे ए पॉइंट रू ए पॉइंट भितर आम गोटे लाइन ये ड्र करे। ओके तो ये जो लाइन टाक लाटस रेक्टम ए पॉइंट ए लाइन टाक लाटस रेक्टम दैट मीनस मुझे लिखी दूची या लाटस रेक्टम ओके लाटस रेक्टम तेणु ए पॉइंट रे भी मुझे दे दूची ए पॉइंट गुड़ाक जोटा कि ओ ए पॉइंटा देदेली एंड एटा को देदे मो पी एंड ए पॉइंटा को देदे क्यू एंड दिस पॉइंट इज एफ जोटा कि स्टार्टिंग रू ये करदे तेणु आम कौन कर ये जो लाटस रेक्टम अच्छे पी क्यू ये मुझे लिखी दौर एगेन पी क्यू हूँ कौन लाटस रेक्टम। ओके तो लाटस रेक्टम ये पाराबोला को ये घेरिकी रही देन आम ए एरिया को फाइंड आउट करवा कौटा जो इनसाइड एरिया आम पाखे अच्छी ए एरिया टाक आम फाइंड आउट करवा ऊपर एंड तल बोथ तो एतिकी एरिया को आमको फाइंड आउट करार अच्छे दैट मीनस कि आम कौन करवा जदि ओ पी एफ को आम फाइंड आउट करके देन से टू आम जब मल्टीप्लाई करदे तो फिर भी आमर पूरा एरिया ये पड़े आस अधा को आम बाहर करवा एंड टू गुणीद एतिक हो जिनस सिंपल एंड ये पॉइंटा के ए पॉइंटा तो आम पाइले ए पॉइंटा आम जाने जीरो जीरो पॉइंट तो आम गोटे लिमिट भी दरकार ना एटलिस्ट आमको गोटे लिमिट भी दरकार एटलिस्ट तेणु मुझे किसी पॉइंट दे दूँ जोटा कि आमर फर्स्ट ये पॉइंट हो जीरो जीरो पॉइंट ए पॉइंट आम पाइजे ए जीरो बर्तमान ए पॉइंटा बाहर करवा तो ये जदि आम एक्स रॉइंट ए बाहर करे देन ये के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के फोर ए स्क्वायर हो फोर ए इंटू ए फोर ए स्क्वायर तेल वाई इज इक्वल टू के टू ए होमको पॉइंट मिलगला तो ये मिलगला जीरो जीरो ये मिलगला ए आउ टू ए ये मिलगला के आउ जीरो। तो एबे आमे आर एरिया को कमी फाइंड आउट करवा सो एरिया इज इक्वल टू ये जो एरिया आमर अच्छी दैट इज इक्वल टू टू इंटू एरिया ऑफ ओ पी एंड एफ कहते ओ पी एंड एफ तो ये होची टोटल एरिया दैट मीन्स आम एठी ए ए जो टोटल लाइन के टोटल लाइन टा होची केते वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स राइट देन आम ए जो पर्टिकुलर एरिया अच्छी एटा आम कौन कर पारिबा आर रूट बाहर कर पारिबा दैट मीन्स कि आम एटा केते लिख पारिबा टू टाइम्स लिमिट दे देबा केते जीरो रु ए एक्स पाई आउ गोटे वाई पे ये आम के दवा वाई इज इक्वल टू जीरो टू
एटा केते हे जीव वाई स्क्वायर जदि आम पाखरे अछि 4a x अछि ताहले तार वाई स्क्वायर केते अछि 4ax ताहले वाई केते हे जीव 4a x रो रूट ओवर दैट मींस 2 रूट x तो एटा हमर केते हे जीव 2 रूट x 2 रूट x कारण 4 रूट ओवर होछि 2 एंड ax रो रूट ओवर केते x हे जीव रूट x सो दिस इज dy एंड dx एतिक जिनस आई होप कि आपण माने बुझी पारथिबे कारण हमर x रो जो लिमिट अछि x पखरे हमर केते अछि एठी भी ए अछि एठी भी ए अछि एठी 0 अछि त माने 0 रो ए होछि हमर x रो लिमिट y रो लिमिट देखंथु y रो लिमिट कोडी अछि 0 एंड एठी हम पखरे टोटल हमें जेतु बाहर करछि सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए x दैट मींस कि y इज इक्वल टू एठी केते हे जीवो रूट ऑफ 4 x तो 4 रो रूट होछि 2 जोटा कि हमर एठी रहिगला एंड ax होछि एठी रूट ए x एति के होछि जेंसो ठीक अछि देन हमें सिंपल इंटीग्रेशन एठी करके एठी फाइंड आउट करि परिबा जोटा कि हमर नेक्स्ट पेज रे एटा हबो सो दिस इज इक्वल्स टू 202a एंड दिस इज dy dy रो हमरो केते हे जीवो y dx टाइप को रखि देउ छी ओके dx एंड लिमिट देउ छी 2 एंड 2 रूट ax ए टर्म टा को रखि देली सो दिस इज इक्वल्स टू 2 x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू ए मुटा को देदेली x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू ए न लिखले भी किसी प्रॉब्लम नहीं दैट मीन्स कि 2 रूट x ये जो टर्म टा केते हिजो y अच्छी ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स कि केते हिजो बेटा 2 रूट x dx कांस्टेंट एटी 2 अच्छी तो ये बाहर को पड़ेबो 2 ये 2 रूट ए भी कांस्टेंट अच्छी तमें एटी 4 ओवरऑल 4 रूट एटा कॉमन पड़े आसीबा आज जेत कांस्टेंट एंड एटी x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a रूट x dx रही जीवा आ भीतर ओनली ओके फाइन सो दिस इज इक्वल टू 4 रूट a एंड एटी एटा केते आसीबो मैं लिखी दे 0 टू ए एक्स टू द पार 1/2 डी एक्स एक्स टू द पार एक्स रूट के हमारा एक्स टू द पार हाफ डी एक्स व्हिच इज इक्वल टू 4 रूट ए आर इंटीग्रेशन के कहतु आर इंटीग्रेशन के एक्स टू द पार 1/2 प्लस 1 जोटा कि 3/2 / 3/2 तो एक्स टू द पार 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 इट सिंपल इंटीग्रेशन कोली एंड लिमिट लगे देली 0 टू ए व्हिच मींस दैट 4 रूट ए एंड दिस इज x टू द पावर 3/2 बाय 3/2 0 टू ए सो 4 रूट ए इंटू 2/3 4 रूट ए इंटू 2/3 एंड दिस इज ए टू द पार 3/2 ओके देन एटा कते हे जीवो 8/3 4 इंटू 2/3 8/3 एंड दिस इज नथिंग बट ए टू द पार हाफ एंड ए टू द पार 3/2 व्हिच इज ए स्क्वायर सो ओवरऑल आम पाखे ये के 8/3 स्क्वायर जोटा हे जीवो आंसर ओके सो दिस इज आवर आंसर एति की जिनसो